किसी भी सीरियल के मैं समझता हूँ कमेंडेबल है, और जनता का प्रतिसाद जो है वो सावधान इंडिया को इंडिया भर का बहुत रहा है, और यही वजह है कि इतने सारे एपिसोड सफल एपिसोड जिसको हम कहें सक्सेसफुल एपिसोड इन लोगों ने बनाए हैं। मैं जानता हूँ इन्हें बहुत दक्ष रहना पड़ता है, प्रेशर भी बहुत होता है इन पे क्योंकि दे आर आंसरेबल टू द सोसाइटी, बट उसके साथ साथ प्रेशर से कहीं ज़्यादा ये लोग अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं और उस जिम्मेदारी को इस तरह बखूबी निभाते हैं जिसकी वजह से लोगों की तरफ से उन्हें जो ताकत मिलती है वो उस प्रेशर से कहीं ज़्यादा है, और यही वजह है कि वो इतनी दूर तक और इतने लंबे सफ़र पे पार कर चुके हैं। और ये मैं समझता हूँ एक पड़ाव है, 1000 एपिसोड पूरे हो गए मतलब सावधान इंडिया बंद नहीं हुआ, ये एक पड़ाव है, अब इस पड़ाव के बाद सावधान इंडिया और ज्यादा आगे बढ़ेगा, इंडिया को और ज्यादा सावधान बनाएगा। मैं समझता हूँ शादी करते वक्त भी इंसान को सावधान होना चाहिए, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र में जो मराठी शादी होती है तो कहते हैं शुभ मंगल सावधान, तो सावधानी बरतना जो है वो हर जगह पे जरूरी है, और अगर शादी में जरूरी है तो फिर तो हर जगह पे जरूरी है ऐसा मैं समझता हूँ। तो एक आध एपिसोड इन्होंने शादी के ऊपर भी करना चाहिए क्योंकि उसमें शुभ मंगल सावधान होता है। सर सावधान की अगर हमने बात की, इसमें धाराएं होती हैं, अगर छोटी सी गलती हो जाए तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। सिर्फ इसी सीरियल में क्यों, मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी चीजें बनती हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो धारावाहिक हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो एक रेडियो अनाउंसमेंट हो, वो अगर सच्ची घटना पे सत्य घटना पे आधारित हो तो उसको बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, और जिसमें कि कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो कि हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, उसका भी ध्यान रखा जाता है और इन्होंने रखा है, और यही तो वजह है कि 1000 एपिसोड्स पूरे हुए हैं, वरना दो दो एक 200 में ही या 100 में ही खत्म हो जाता। नहीं, इससे पहले भी मैं होस्ट कर चुका हूँ, सबसे पहले मैं एंकर मैं करता था रेडियो पे जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से कुछ 15-1 साल का था, अमीन जी के साथ, अमीन सहनी साहब के साथ मैं रेडियो पे एंकरिंग करता था। उसके बाद मैंने टेलीविजन पे टॉप प्लस पे चलती का नाम अंताक्षरी 104 एपिसोड मैंने एंकर किए हैं। तो एंकर करने में एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ऑडियंस के साथ में कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, एक रिश्ता, और जो जो रिश्ता ऑडियंस के साथ मेरा मेरे बचपन से रहा है वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई लोगों तक पहुंचने के लिए या लोगों को अपने तक लाने के लिए। सावधान इंडिया के आपने 1000 एपिसोड्स पूरे आपकी वजह से हुए क्योंकि आप दर्शक हैं, इसलिए मैं सावधान इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रमंद हूँ, और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आगे भी आप सावधान इंडिया इसी तरह देखें ताकि 2000 एपिसोड जब पूरे हो जाए तो ऐसा ही या इससे बड़ा जश्न हो उसमें हमारी मुलाकात दोबारा हो। क्या मुझे बाद में करना भी शूट करो यार, बाद में करना। सुशांत जी सुशांत सर मियाँ जी गलत बात है, इसे इधर को गांव से नहीं लाए थे हम।
थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए आज की जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी रही, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, लर्निंग एक बहुत अच्छी जर्नी रही, क्योंकि नई चीज़ में ये मैंने कुछ नया किया था, आज तक एक किरदार निभाती आई थी, उसके बाद एंकरिंग किया, एंकरिंग एक्टिंग से थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिफरेंट, जो आप एक्टिंग करते हो आपको एक किरदार दिया जाता है, ये एंकरिंग बहुत ही अलग चीज़ है, सो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा एंड बहुत ही अच्छा यू नो एक्सपीरियंस रहा एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद अ शो लाइक दिस। यस वो बात तो है, ये स्क्रिप्टिंग की और जो तैयारियां हैं, जो उसकी उसकी सारी उसका सारा क्रेडिट तुम्हें जो बिहाइंड द कैमरा टीम है उन्हें दूंगी, जो जो मेन रिसर्च जो करते हैं वो वही करते हैं, जो केस स्टडी होता है वो करते हैं, जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं वो उनकी कहानियाँ जो ऑडियंस तक लाते हैं, जिन्हें हम डिलीवर करते हैं, जिन्हें हम एंकर करते हैं, वो जो बिहाइंड द कैमरा टीम है जो दिखते नहीं हैं वो असली मेहनत उनकी है, तो आई थिंक सारा क्रेडिट इसका रिसर्च का मैं उन्हें सॉरी बहुत 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 इन्जॉय किया, क्योंकि एक नया कुछ नया करते हो जब आप पूरे एक बहुत ही डिफरेंट होता है एंड ऑफकोर्स आई वुड लव टू यू नो डू थिंग्स लाइक दिस मोर ऑफ़न। सावधान इंडिया का मेन मोटिव या जो हमारा यू नो मोटिव ही हमारा ये है कि लोगों को हम सचेत करें, लोगों को हम सावधान करें, सतर्क रहें लोग, जो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, बहुत सारे क्राइम, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत कुछ ऐसा हुआ होता है लोगों के साथ जो शायद अखबारों में नहीं आता, न्यूज़ चैनल्स पर नहीं आता, मैगजीन्स में आप नहीं पढ़ते, रेडियो पर नहीं सुनते, वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि कैसे अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है उन्होंने कैसे अपनी असली लाइफ में जुर्म पर जीत हासिल की है और कैसे फाइट बैक किया, तो वो हमारा मेन मोटिव है। पार्टी के बारे में इतना नहीं कहना चाहूँगा, इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। सावधान इंडिया की शुरुआत की थी मैंने सुशांत के साथ, वो पहले 3-4 महीने होस्ट किया था इस शो को, तो आज 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं तो ऐसे लग रहा मैंने पूरे किए हैं, कुछ अपने अपना फीलिंग है। हालांकि कुछ अरसे के बाद मैं नहीं कर रहा था, बट किसी किसी शो के साथ आपका कनेक्शन होता है। नहीं एक्चुअली यू नो ये वैसा शो है जहाँ एक एंकर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप थोड़े मन से लोगों को बताना चाह रहे हो कि ऐसा किसी के साथ हो गया और हमें उससे एक सचेत रहने का, सावधान रहने का पाठ सीखना है, तो वो कहानी बताते बताते आपके आप पर थोड़ा असर हो जाता है। और मेरी चैनल के साथ हमेशा से एक ही गुजारिश थी कि मैं थोड़ी अपनी राय रखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बनी बनाई रोटी परोसना नहीं चाहता, मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहना ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह रात को आप अपने घर पर ताला मारते हैं चोरों से बचने के लिए, उस तरीके से अपने समाज पर भी थोड़ी नज़र रखिए, थोड़ा सावधान रहिए। बात करें कितना टफ है ये एंकर शो जो है बाहर आउटडोर करना, गली कूचे नाले हर जगह इसमें मुश्किल होता है, हम लोगों को खासकर आदत पड़ जाती है एयर कंडीशन कमरों में रहने की और गाड़ियों में घूमने की, पर साथ ही साथ यू नो मेरे जैसे एक्टर को थोड़ी आउटडोर की आदत है, थोड़ा एक्शन वैक्शन मुझसे हमेशा कराया ही जाता है, तो मुझे मजा आता है आउटडोर में। आपको
और फिर आउटडोर में एक और मजे की बात यह है कि आपको हमेशा आम लोग मिल जाते हैं और उन आम लोगों के साथ आपकी जो उस वक्त स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होती है वो हमेशा मजेदार होती है।